वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू शो डेटा स्पीड, यानी कि इस फोन में स्टेटस बार पे डाउनलोड और अपलोड स्पीड कैसे देखें। दोस्तों सैमसंग की ओर से नेटवर्क स्पीड मीटर नहीं दिया जाता है, इसलिए प्ले स्टोर से एक छोटा सा एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा, जिसका डाउनलोड लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। प्ले स्टोर से इस ऐप को डाउनलोड करने के बाद ओपन करें। इसमें केवल नोटिफिकेशन परमिशन अलाउ करना है, इसके अलावा आपसे और कोई भी परमिशन नहीं मांगेगा। गाइस ऊपर में देखिए इंटरनेट स्पीड मीटर चालू हो गया है, यहाँ से डाउनलोड और अपलोड स्पीड मॉनिटर कर सकते हैं। इसके बाद नीचे की ओर स्वाइप करके नोटिफिकेशन पैनल ओपन करते ही आज सिम कार्ड और वाईफाई से कितने डेटा यूज हुआ है वो देख सकते हैं। यहाँ पे जो डेटा यूसेज का वैल्यू शो होता है वो एवरी डे रात 12 बजे रिसेट हो जाएगा। गाइस लॉक स्क्रीन पर इसका डेटा स्पीड वैल्यू दिखाई देते हैं। अगर आप इसे हाइट रखना चाहते हैं तो यहाँ 3 डॉटेड लाइन पे टैप करके प्रेफरेंस में जाइए। इसके बाद हाइड लॉक स्क्रीन नोटिफिकेशन पे टिक लगा दीजिए, फिर नीचे की ओर जाके अलाउ एड से टिक मार्क हटा देना है। इसके अलावा यहाँ से और कोई भी सेटिंग्स के साथ छेड़छाड़ ना करें। तो दोस्तों इस तरह से आप डेटा स्पीड मीटर के साथ साथ डेली डेटा यूसेज भी देख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल था। तो हमारे वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया।